है मीशनात और ये असील और हम अभी अपनी मदर के चैनल जो होल से क्लॉथिंग का काम करती है उनके चैनल पे अपना व्लॉग जिसमें बेचते हैं और आज वो ही चैनल एक अच्छी बहुत अच्छी वीडियो के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज गाइस आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने लगा है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा आगे सुन ऑन वीडियो। और वहाँ पे माँ छोटा सा कैस्पर मा पारा सा बेबी सोया हुआ है, उसको बहुत सख्त नींद आई है। और गाइस आज आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है और वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे असील जब नमाज पढ़ लेगी उसके साथ। पढ़ लिया आपने? अच्छा अभी वो नमाज पढ़ रही है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस मुझे फिलहाल थोड़ा सा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है ये छोटे मोटे काम करने में। हम नहा धो के टूथब्रश करके कपड़े शपड़े पहन के ऊपर छोटे मोटे वीडियोस बना बनू के सारा कुछ कर कूड़ के इतने पता नहीं और पता नहीं क्या कर कूड़ के अब आप लोगों से मिल रहे हैं। ओ फटाफट असील नमाज पढ़ ले फिर आप लोगों से मिलते हैं। ऐसा फिर असील ने नमाज पढ़ ली, वो अभी मम्मी से अपनी पौनी करवा रही है। वो हमारा केस पर जा चुका है यहाँ पे, इधर ये है हमारा केस। ये मेरा मित्र, मेरा पौधा है, मेरा जान है, मेरा प्यार है। गंदे काम कर रहे हो हैं जी 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 की जिकली चप। गाइस ये ना इसने इसको हम आप दिखाते हैं इसने हमने क्या मंगवाया है मतलब आपको बता दी हमने क्या पता नहीं आप लोग पहले देख लेना आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। गाइस हमने अपने प्यारे से कैस्पर के लिए 14 अगस्त के लिए कपड़े मंगवाए हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कैस्पर, आपको तो बताना ही भूल गया तो हमारा इंडिपेंडेंस डे मिट्टू। हाँ जी हाँ जी, आज इतना बहुत खुश है ऐसे मेरे साथ ना, पहले कहीं पता कि हमारे कैस भाई का इंडिपेंडेंस डे आ गया है कैस भी। और ये आ चुकी है हमारी स्टिच, चले कपड़े दिखाएं इसके कैस्पर के। कब की पोनी लगाने के लिए बैठी हुई है और अभी तक देखो ये देखो कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर पोनी है? यस। क्या कैप्टन का गिफ्ट है वो तो मैंने भी बता दिया भाई। ये हमारा गंदा बर्डी, ये देखेंगे क्या कलर इसको ना ऐसी लटक रही चीज़ों से खेलना बड़ा पसंद है। यस भी इधर ये है हमारा प्यार से कैस्पर और आज आपको बताया हमने पे और आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी गाइस है हमारे पास है जी। हमारे लिए एक उनकी गाइस के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट नहीं है? याद आ गया। हाँ जी वैसे नहीं पता वो सीक्रेट गिफ्ट है जो आपको आपको इसको बस इतना मैंने बताया कि सरप्राइज है कोई और वो हम लेटर ऑन द वीडियो बताएंगे। एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए क्या है हिंट दो हिंट या क्या देना आज एक फील हो जाए ना थोड़ा सबर भी बंदा कर लेता होता है। ये गाइस असील की पोनी हो रही है, इस तरह से ये रोज़ाना पोनियाँ करवाती है, रोज़ाना नए नए कपड़े पहन लेती है और उनको फिर गंदा कर लेती है, ये काम होता है रोज़ाना से। एक जैसे नए कपड़े पहन पाए, चलो आप दिखा तो ना इसकी ड्रेस। आप 10 तक सेकंड्स तक काउंट करके आए यार, हम इनके वर्कर्स हैं हम क्या कर सकते हैं गाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे 10 सेकंड हो गया लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठ देता हूँ। एक तरह का आपको हिंट दे देता हूँ, असली को नहीं देता। गाइस हम आज़ादी का दिन
का हक अदा करने लगे हैं, जो होना चाहिए हमें हक तरह। आप लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? अभी मैं नहीं आप लोगों को बताने लगा। और ये हमारा प्यारा से कैस्पर, इसको हमारा स्टडी स्टैंड बहुत पसंद है, इसकी फेवरेट जगह, और यहाँ ये बैठा रहता है। है ठीक है कैस्पर? तो भी गाइस असील का और टाइम ओवर हो गया, और भी कैस्पर आ जाओ। गाइस अभी लाइट हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मसला हो जाता है सोने का। और फिर अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और ये छुपी हुई है, और ये देखिए सही से दिखाए ना, सही से दिखाए। ये इसकी बैक साइड है। हाँ जी, ये देखिए इसकी बैक साइड, ये इसकी फ्रंट साइड, ये इसकी फ्रंट साइड है, और ये हमारे पहले का कैस्पी। और ये ट्रोजर है, ट्रोजर भी दिखाए, ट्रोजर हो सकती है शॉर्ट्स है। ओ या यस गाइस, तो फिर अब हम इसको पहनाते हैं। हाँ जी असील, ये पूपो बाद में आप इसको नोटिस करना, अभी बाद में। ड्रेस पहनने लगे मैं लंबी था है। उसके तो ड्रेस से सारे न्यू होने वाले हैं। ये निकाल लिया है मैंने, केस भी पहना दिया, ये तो बैठ ही रहना है ना रूम में। गाइस इससे गला फटी, इसको आप पहनने नहीं देना, वाइट में पहनना है। आप इसके ऊपर बिल्कुल पैर रखने वाली थी, और फिर आपको कोई पता गाइस क्या होना है। और गाइस हमारा आज़ादी का दिन है आज, हमारे मुल्क का, तो आज हमारी चीज़ों का भी आज़ादी का दिन है। BTW का तो रोज़ ही आज़ादी का दिन होता है, रोज़ाना वो लोग खड़े होते हैं। और गाइस सीक्रेट करीब है, आप लोग ध्यान से लो, बहुत बहुत करीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो आपका सीक्रेट है ना, हाँ हो सकता है वर्ड ना करें। उम्मीद है कि वो काम जरूर करेगा। ये वही कहती रहती है, इसको पता नहीं क्या मसला है, ये तो बस गंदी बातें मेरे बारे में सोच रही होती है। बताए ना, बताए बताए सीक्रेट, फिर हिंट देना। गाइस ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये तो अपलोड, अगर ये सीक्रेट आज ही है तो ये क्या बात हुई, लाइक वीडियो आज ही है तो फिर आज ही गाइस गेस करेंगे, उनको ये कैसे लगती है? तो स्टार्टिंग पे वैसे गेस करने के लिए तो मैं दिया नहीं है, सीक्रेट एंड ऑफ द वीडियो पे बताना है, ठीक है?
हाँ जी। और गाइस मैं डैडी को बताता हूँ और उनको कॉल करता हूँ, पूछता हूँ वो कहाँ रह गए हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ सीखे रह जाना है एक तरह का। फिर आप लोगों से इसको एक कहीं पर गया, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर दोस्तों इस टाइम हम लोग जा रहे हैं, सरप्राइज रिवील करने लगे हैं हम लोग। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आप लोग गाड़ी के अंदर जाके ही, आप लोग गाड़ी के अंदर जाके ही देखेंगे सरप्राइज को। शादी में हाँ जी गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में जाके देखेंगे। ओके मम्मी अम्मी जाना, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। इतना खूबसूरत सरप्राइज आज तक नहीं आप लोगों ने देखा। इस साइड पे आता हूँ, यानी वैसे खूबसूरत भी है लेकिन एक तरह का उसके साथ हम अच्छाई भी कर रहे हैं, सवाब भी मिलेगा हमें। और वो लोग आपको मेरे कहने से पता चल ही गया होगा, और वो चीज़ है एक पिजन। ये देख इतना खूबसूरत पिजन है, ये ब्लैक एंड वाइट है कलर का है। पकड़ने लगे हैं, ये पकड़ना भी दिखा लेते हैं। ये पकड़ना, हाँ जी। कैस्पर, ये हमारा कैस्पर, चलो कैस्पर इधर जाओ। ये कबूतर बहुत ज्यादा जंगली है, इसको सही से पकड़ना पड़ेगा। मम्मी को दिखा रहे जी, दिखाए हैं डैडी। देखिए कितना खूबसूरत है गाइस, आज तक इतना। तो भाई गाइस जब हम लोग किसी जगह पे पहुंचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस इस टाइम हम लोग रास्ते में, कैस्पर भी बहुत एंजॉय कर रहा है। गाइस हम इसको खेत वाली साइड में छोड़ेंगे, जो वो नहीं है एयरपोर्ट चौक, वहां पे खेत है, खुली जगह है, ये आराम से वहां पे अपना गुजारा कर सकते हैं। तो गाइस चिराग कह रहे हैं कि इसको एयरपोर्ट चौक में करेंगे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खेत है और वहां पे वो आराम से गुजारा कर सकते हैं। क्या रखना चाहिए, पैंडा? पैंडा वैसे नहीं ठीक, व्हाइट एंड ब्लैक है, पैडी नहीं है ठीक, नहीं तो पैरट्स के लिए ठीक रहता है, नहीं पैंडा इसका नाम है। ऑलराइट पैंडा हम आपको छोड़ने जा रहे हैं, और आगे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गाइस रश है। ओह वहां पे बफेलोस हैं। अच्छा मुझे लगा फ्लेयर्स, मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हो गया आगे। एक कैसी बातें करते हैं। ओके बिल्कुल हमारे साथ साथ ही फिर रही हैं गाड़ी के, और यहाँ पे एक ब्राउन वाली भी वाइट वाली भी है। चलो जी, तो अब हम लोग करते हैं आगे चलते हैं। ये बहुत खुला रास्ता है, इधर से लिया था मैंने। इधर से अच्छा यहाँ, अच्छा तो ये हमने यहाँ से डैडी ने लिया था। डैडी को और भी यहाँ पे अच्छे वाले हैं कोई, ये सबसे खूबसूरत है लेकिन जो हमारे पास नहीं है। अच्छा चीना शिराजी कबूतर ले लेते हैं, शिराज के नाम से होता था। गाइस आज वैसे सनसेट भी होने लगे, हम इसको सनसेट के टाइम पे करेंगे, मॉर्निंग पे करना चाहिए था लेकिन फिर भी ये भी टाइम ठीक है इसके लिए। कैस्पर हम जाने लगे हैं ना, अंधेरा होने से पहले फटाफट। तो फिर गाइस टाइम हम लोग तकरीबन पहुंच गए वाले एरिया पे, इसको उड़ाना है वो जिस तरह आगे जिस तरह जहां पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके बनाने हैं तो बना दे, हम बना लेते हैं। ओके ये देखिए हमारा कैस्पर के पीछे भी, कैस्पर बहुत 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 खुश है गाइस, कैस्पर भी सोच चुका है कि नई जगह पे मैं आ गया। अगर हमें और कबूतर मिले ना गाइस हम उनके पास छोड़ देंगे, क्योंकि ये ना फिर दूसरे कबूतरों को ना फॉलो करते हैं, वो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा गाइस जी। तो फिर ये तो वहां पे वो कबूतर हैं, उनको देख के उन्होंने बोला उस पिंजरे में। ओह हां जी उनके पास ही ना छोड़ दें उस साइड पे। यस थोड़ा सा बस आगे जाके ये डेडी यहां पे इस ग्रीन वाली एरिया पे थोड़ा सा ग्रीन वाला एरिया, ये नहीं अच्छा लेकिन हम इसको आजाद करने की नियत से छोड़ रहे हैं। यस दूसरे कबूतरों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात ठीक ही है। शिराज ने इसको कह दिया हमने रखना, यहाँ पे लोग जो है मना रहे हैं और वहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है जी। बस ज्यादा कैसे डैडी किधर करना है आजाद, किधर करें जी, थोड़ा सा आगे 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 और इस साइड से सीधा आगे जाओ। मैं काउंट डाउन करूंगी। ओके ओके शायद और मैं आजाद करूंगा, वो तो मुझे भी पता है। यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा रश है,
उसे लकी ना रख लें लकी? ये क्योंकि वो लकी है नहीं लकी पिंजरा एक टाइप का नाम है हाँ ऐसे कोई बात नहीं लेकिन ये लकी तो है हम टिंडर मैच देख रहे हैं और यहाँ पे डैडी यहाँ पे गाड़ी रुक स्टॉप 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 ये खप्पड़ मारने रखे हैं ये इस जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी देखिए किस पर कितने लोग को देखिए एरिया चल मेरे दरवाजा डैडी आप खोलना मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है ऊपर से कैस्पर भी यहाँ पे तंग कर रहा है आपने कैस्पर को पकड़ा था मुझे लगा मैं ही अकेला हूँ जिसने किसी को पकड़ाया ओके चलें डैडी मेरा गेट खोलें और फिर हम निकलते हैं कितनी खूबसूरत एरिया है ओह माय गॉश डैंग इट कैस्पर देखो ये जगह देखो हमारा कैस्पर ये देखें कितना खुश हुआ भाई ये जगह बहुत प्यारी है तो गाइस इस टाइम शेराज निकल रहा है और मैं काउंटडाउन करने लगी बिल्कुल इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है डैडी से फिर पकड़ने लगे ये देखिए ये डर गया है ये आ गया इसको ना सही उड़ाने का तरीका ये है कि इसके पीछे भागो ये देखें खूब आराम से उड़े पहले वो उस बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठने वाला था वो आगे वहाँ जाके बैठ गया ये बहुत खुला एरिया है इससे ऐसे यहाँ पे आई होप सो ये रह लेगा लेकिन यहाँ पे दुआ करें बच गया लगा अभी इसमें बचना नहीं है वो वहाँ पे यहाँ पे मोस्टली लोग गाड़ी सीखने के लिए आते हैं वैसे अपने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए और मेरे डैडी इसके पीछे पीछे जा रहे हैं ये थक गया मेरे ख्याल से गाइस ये देखें डैडी एक बार फिर इसको पकड़ने लगे हैं वो उनको पता नहीं क्या है वो फिर भी पकड़ना चाह रहे हैं एनीवेज गाइस जी तो फिर गाइस वो हमारा कबूतर उधर बैठा हुआ है एक बार थोड़ा सा करीब जाते हैं फिर जैसे दूर हो मैंने दिखाने उड़ जाएगा ये देखें फिर ट्राई करते हैं गाइस बहुत प्यारा है तो नहीं एक बार हम लोग उसके पास जाते हैं वो अब गया वो जा रहा है ये आराम से अपना गुजारा कर लेगा बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस वहां पे उड़ते हुए ओह मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास हो गया है तो फिर गाइस अब हमारा व्लॉग एंड होता है ये थी हमारी आज की वीडियो मिस करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर गाइस अब हमारा व्लॉग एंड होता है ये थी हमारी आज की वीडियो मिस करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी हो